हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके काफी काम आ सकता है। इसमें से कुछ तरह तरह के ट्रिक्स हैं जो आपके फोन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। आपकी सिक्योरिटी, आपकी बैटरी बैकअप, आपका जो SD कार्ड है, स्टोरेज है, उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है स्टोरेज को लेके। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्टोरेज है इंटरनल, वो अपने आप भरने लगता है, एसडी कार्ड भी भरने लगता है और हमें पता नहीं चलता। जब से हमने फोन खरीदा है डेटा बहुत कम रखते हैं लेकिन स्टोरेज लगातार भरता हुआ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं और कैसे बंद करना है ये भी मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्टोरेज यूज होता है वो एप्स यूज करते हैं और एप्स हर दिन, हर रात, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे दिन अपने आप ही ऑटो अपडेट मोड पे लगे होते हैं और ये सबसे ज्यादा जगह घेरते हैं। हमें एप्स को बार बार अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये अपडेट होते रहते हैं और फोन की जो स्टोरेज है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, ज्यादा घिर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसको हम बंद कर सकते हैं। आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप देखेंगे यहां पर तीन लकीरें हैं, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और कभी कभी आपको यहां पर भी क्लिक करना पड़ सकता है। आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और तीन लकीरों पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको जाना है सेटिंग में, ये सेटिंग में चले गए और आपको इसे बंद कर देना है, ऑटो अपडेट को बंद कर देना है। हालांकि मैंने ओवर वाईफाई ऑनली कर रखा है, यानी मेरा फोन वाईफाई के कनेक्शन में आएगा तो अपने आप ऑटो अपडेट होने लगेगा। यहां पर मैं इसे पूरी तरह से बंद कर देता हूं कि जब तक मैं अपडेट ना करूं कोई भी एप्स बैकग्राउंड में अपडेट नहीं होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो है गूगल क्रोम को लेके। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कभी कभी हमें कोई फॉर्म भरना पड़ता है, कोई चीज डाउनलोड करनी पड़ती है या कोई एक्स्ट्रा चीज देखनी पड़ती है जो कि हमारे इस ब्राउजर में नहीं दिखता है। हमें डेस्कटॉप मोड में ब्राउजर को खोलना होता है, जैसे कि लैपटॉप में खोलता है, जैसे कि कंप्यूटर PC स्क्रीन पे खोलता है। उसके लिए हमें साइबर कैफे जाना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि काफी लोग यहीं से सारा काम कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक वेबसाइट खोली, जैसे कि यहां पर मैंने एक वेबसाइट खोली है, अपनी ही वेबसाइट खोली है टेक एंड सोशल, और जब ये मोबाइल मोड में दिखेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरह से मैं कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिस पर आपको फॉर्म भरना होता है, डेटा भरना होता है, डेटा एंट्री करनी होती है और उसे बड़ा करके देखना होता है, जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप पे आप देखते हैं। उसके लिए आपको इस तीन बिंदी पे जाना है और यहां पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। ब्लू कलर का टिक आ जाएगा, अब ये देखिए ब्लू कलर का टिक आ चुका है और उसके बाद आपकी जो साइट है वो बिल्कुल लैपटॉप डेस्कटॉप वाली हो जाएगी। अब आप सारा काम यहां आसानी से कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट जो है इस मोड में आने पर सपोर्ट करती हैं और पूरी तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, खुलता है, लेकिन अगर मोबाइल मोड में रहता है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन क्लिक नहीं होते, ना ही देखने को मिलता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वापस से अगर आपको उल्टा करना है, वैसा ही करना है, तो आप इसको ब्लू टिक को हटा दीजिए, आपका फोन पहले की तरह से हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है लेकिन किसी को पता नहीं होती है। इसका इस्तेमाल आप करके देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरी ट्रिक इसी से रिलेटेड है, गूगल क्रोम से रिलेटेड। अगर आप कोई ऐसी वैसी वेबसाइट खोलते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री कुछ भी रिकॉर्ड ना हो फोन के अंदर, या फोन के अंदर कोई ऐसा एप्स पड़ा हुआ है जो आपकी हिस्ट्री, मतलब जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करता है, तो ना एप्स रिकॉर्ड कर पाएगा ना ही आपका फोन इस रिकॉर्ड को रख पाएगा। आप किसी भी तरह की वेबसाइट खोल सकते हैं, इलीगल, लीगल, लेकिन उसका जो भी रिकॉर्ड है वो नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा आपने कौन सी वेबसाइट खोली है और कौन सी कब खोली थी, क्या करा था, कोई भी डेटा नहीं पता चले। तीन बिंदी पे क्लिक करना है और आपको जाना है न्यू इनकॉर्नाइट टैब, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप कोई सी भी वेबसाइट खोलेंगे, आपकी हिस्ट्री में कोई सी वेबसाइट नहीं दिखेगी और ना ही आपको पता चलेगा किसी ने आपके फोन पर कौन सी वेबसाइट देखी थी, किस टाइम क्या करा था, क्या नहीं करा था, कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ भी इस तरह का काम करना है तो आप इस मोड में जाकर काम कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं रहेगा और आपको डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स।
और ट्रिक्स जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपको नहीं मालूम था पहले तो लाइक शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।